हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशो फॉर लर्नर्स। यहाँ पर हम यूजीसी नेट एनटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारा यूनिट वन का लास्ट चैप्टर है, जहाँ इंडियन थिंकर्स को इस बार नए सिलेबस में जोड़ा गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीआर अंबेडकर। ये हमारे इससे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में एक लेक्चर कम्प्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बीआर अंबेडकर एंड राधाकमल मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो बीआर अंबेडकर हैं, इनके बारे में भी आपने सबने पहले से सुना होगा, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में सुना है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य से हम यहाँ पर इनको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम इनकी आइडियोलॉजीज़ को पढ़ेंगे कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी समाज के संदर्भ में। तो शुरू करते हैं, हम लेक्चर को पूरा देखें। सिंपल एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के पैटर्न जो होता है, उस तरीके से एग्जाम्पल्स को समझाया जा रहा है। और जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, वो उन पहले लेक्चर्स की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो अम्बेडकर के बारे में सबसे पहले यह जान लें कि जो इनको भारतीय मनु भी कहा जाता है, और भारतीय संविधान के जो पिता है वो इन्हीं को माना जाता है। जो भारतीय संविधान हमारा बना है पूरा का पूरा, वो इन्हीं के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में यही थे हमारे, और इन्होंने काफ़ी सारे संविधानों का अध्ययन करके भारतीय संविधान को बनाया था। ये तो हो गया इनका पॉलिटिकल व्यू। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं उनकी सोच, जो कि समाजशास्त्र में इनका सिलेबस क्यों जोड़ा गया है, हम उसको देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बी आर अम्बेडकर अपने दलितवादी प्रीति नहीं है, प्रतिपेक्ष है, प्रतिपेक्ष के लिए जाने जाते हैं, दलितवादी परिपेक्ष के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का जोरदार विरोध किया, तथा यहाँ बताया कि किस प्रकार उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का वर्षों से किया जा रहा है, या वर्षों से ये शोषण है, यहाँ पर साथ साथ वर्षों से शोषण किया जा रहा है, तथा उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, और निम्न जातियों के उद्धार हेतु संवैधानिक प्रारूपों को लागू करने पर जोर दिया। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को हम सिंपल वे में समझते हैं, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए इससे पहले भी सिलेबस में अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा था, और डेविड हार्डन वगैरह थे, उनका भी दलितोत्तर परिप्रेक्ष्य है, पर उनको अभी हटा दिया गया है, अभी केवल बी आर अम्बेडकर को दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इनका जो दलितोत्तर परिप्रेक्ष्य, यानी कि अछूतों के लिए, या जिन्हें आप शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, उनके लिए इनका एक परिप्रेक्ष्य था। ठीक है, जैसे ये भी महाजाति से थे, तो उनका ये कहना था कि जो भारतीय समाज है वो असमानता पर आधारित है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी जानते हैं भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है जाति आधारित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन चार भागों में बांटा गया है। आर्यंस ने जो था भारत में इस व्यवस्था को इस तरीके से लागू कराया। जो द्रविडियंस है बेसिकली वो बोलते हैं ये स्वयं के वो यहाँ के असली लोग हैं। ठीक है, और उन्हीं को जो आर्यंस ने था शूद्र की पदवी दे दी और बोला कि वही शूद्र है। ठीक है, देखिए भारतीय समाज में क्या समस्या है, भारतीय समाज में जो काम के आधार पर जो है यहाँ पर चीज़ों को जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए जब शुरुआत थी, जब भारतीय, देखिए यहाँ पर हम आपको ये जो परिप्रेक्ष्य है इसका इतिहास बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि गलत तरीके की आइडियोलॉजी है, या फिर इसके क्या कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ को लेकर। तो एक शुरुआत से एक छोटा सा आपको मोटा मोटा पहले बता देते हैं, हुआ क्या था जिस समय भारत में, जब ऋग्वेद काल था या वैदिक काल था, तो वैदिक काल में क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित है। ठीक है, कर्म आधारित थी, तो केवल जो व्यक्ति जिस कर्म का होता था वो उसी कर्म से जुड़ा हुआ रहता था और वही काम करता था। ब्राह्मण का काम जो था अपना पूजा पाठ करवाना है, क्षत्रियों का काम लड़ना था, युद्ध वगैरह में जाना, तो इस तरीके सबके काम बटे हुए थे। ठीक है, तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ, खासकर जब मनुस्मृति का उद्भव होता है, मनुस्मृति आती है, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इसको पूरी तरह से जाति के आधार पर कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी एक अब वर्ग से जुड़ चुकी थी। ठीक है, कि जो जिस वर्ग का होगा वो उसी में काम करेगा, वहीं विवाह करेगा, और जो भेदभाव की स्थिति थी वो ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था और दूसरा काम कर लेता था। उसके बाद मान लीजिए कोई जो है ब्राह्मण है और वो पूजा पाठ नहीं करना चाहता था, वो क्षत्रिय काम कर लेता था या व्यापार कर लेता था। कोई अगर निम्न जाति का है, देखिए ये जो इसके साक्ष्य हैं ज़्यादा नहीं साक्ष्य हैं, लेकिन ऐसा इतिहास के बुक्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई शूद्र होता था तो वो भी जो है जाके पढ़ लिया करता था, बट ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ठीक है, कि वो इसमें तो नहीं पहुंच पाता था ब्राह्मण धर्म में। ठीक है, हाँ, लेकिन वो इसके अलावा कोई दूसरा काम कर सकता था। मान लीजिए वो मेला ढोने का काम करता तो इसकी जगह वो कुछ और छोटा मोटा काम, व्यापार कर लिया या क्षत्रिय वाला काम कर लिया, तो ऐसा कर लेता। इतना भेदभाव समाज में व्याप्त नहीं था। हुआ क्या, जैसे जैसे ये जटिल होती गई व्यवस्था, जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ मनुवाद के बाद से, ये व्यवस्था जटिल होती गई और इसको क्या कर दिया गया, बहुत सारी निर्योगिताएं जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो निम्न जाति के लोग थे उन पर लगा दी गई, खासकर शूद्रों के ऊपर। ठीक है, अब उनको क्या कहा गया कि तुम सड़क पर नहीं चलोगे, तुम पानी नहीं भरोगे, तुम गांव के अंदर नहीं आओगे, तुम पूरे वस्त्र नहीं पहनोगे, महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाने लगा, अलग अलग तरीके की चीज़ें होने लगी।
इसी संदर्भ में यही उन्होंने यहाँ पर बताया कि असमानता पर जो भारतीय समाज है वो असमानता पर आधारित है और इसको ही दूर करने के लिए उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने बताना चाहा कि किस तरह से भारतीय समाज में जो असमानता है वो व्याप्त है और इसको दूर कैसे किया जाएगा। संवैधानिक रूप से उन्होंने इसका परिवर्तन बताया। अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत नामक एक मराठी पत्रिका भी निकाली गई थी और जिसमें उन्होंने दलित समाज के उत्थान हेतु बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना करी। ठीक है, देखिए ये इसलिए लिखा है यहाँ पर बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत हितकरणी सभा का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना, और ये पूछा हुआ है क्वेश्चन पहले कि बहिष्कृत भारत किसके द्वारा लिखा गया है या बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये अंबेडकर जी द्वारा करी गई थी। ठीक है, 1936 में जो पहली इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, ठीक है ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है पहले एक बार कि इंडिपेंडेंट पार्टी, लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है बीआर अंबेडकर द्वारा ही की गई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। अंबेडकर ने भारतीय वर्ण व्यवस्था की आलोचना करी, करी नहीं करी है, तथा मनुस्मृति को भारतीय समाज में व्याप्त असमानता हेतु उत्तरदायी ठहराया। ठीक है, भारतीय समाज में जो मनुस्मृति थी उसके आधार पर उन्होंने बताया कि असमानता फैली हुई है और ये असमानता जो थी पहले से थी, वैदिक काल से चली आ रही है और वर्तमान जो हमारा आधुनिक युग है, आज का जो 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी, आज भी ये विद्यमान है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद वो साथ साथ बताते हैं अंबेडकर जो थे किस धर्म से संबंधित थे, किस धर्म से या बौद्ध धर्म से क्यों इन्फ्लुएंस थे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अंबेडकर साथ साथ क्या बताते हैं, वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका ये मानना था कि बौद्ध धर्म में जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ भेदभाव नहीं है, हालांकि मॉडर्न समय में बौद्ध धर्म में भी काफ़ी भेदभाव हो चुका है, बट वो बौद्ध धर्म का समर्थन काफ़ी हद तक करते थे। महात्मा गांधी और इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि ये बौद्ध धर्म का समर्थन करते थे और महात्मा गांधी जैन धर्म से प्रेरित थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में वो उन्होंने अंतिम समय में अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, याद ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बन सकता कि कौन सा धर्म अपनाया था, बट हाँ आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहिष्कृत हितकरणी सभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बहिष्कृत भारत के नाम की उन्होंने संस्थाओं की स्थापना करी। ठीक है, ये अमेरिकन नहीं है, ये ब्रिटिश है, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, मिसप्रिंट है टाइपिंग का। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि अंबेडकर द्वारा जो है ही दलितों के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पृथक अथक प्रतिनिधित्व की मांग भी करी गई और दलित वर्ग के राजनीति में एक सुनिश्चित प्रभाव हो सका। ठीक है, ये पृथक है। ठीक है, देखिए जो अंबेडकर थे इन्हीं के द्वारा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, एक चीज़ आपको याद रखनी, गोलमेज सम्मेलन आपने सुना होगा 1930 से 30 के बीच में हुए, भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो जो केवल भारत की तरफ से गए थे उसमें 2-3 लोग थे, उसमें अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों को अटेंड किया। और वहीं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वहां पर उन्होंने जो दलित वर्ग था उसके लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करी, यानी कि पॉलिटिक्स में एक अलग से सीटों की, रिजर्व सीटों की मांग करी, और उन्होंने कहा कि यदि रिजर्व सीटें नहीं करी गई यहाँ पर तो ये जो वर्ग है ये पूरी तरह से पीछे छूट जाएगा और इसका शोषण कंटिन्यू लेवल पे होता रहेगा ऐसी कैसे ही। ठीक है, तो उसी आधार पर उनका, अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं हम यहाँ पर, दलितों तथा श्रमिकों को उत्थान करना था और इसके लिए उन्होंने शिक्षा व राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर इसके विकास पर बल दिया। ठीक है, और उन्होंने इसका आधार क्या बताया, शिक्षा व राजनीति के आधार पर होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि यदि स्थान इस तरीके से आरक्षित नहीं किए जाएंगे प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर तो इस वर्ग को जो अन्य वर्ग यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो तीन वर्ग हैं वो उनको ऊपर नहीं आने देंगे और ये वर्ग हमेशा अपने काम के आधार पर ही निचले स्तर पर रह जाएगा और उस असमानता बनी रहेगी और उसका शोषण ऐसे ही होता रहेगा। और साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने क्या करा, संवैधानिक आधार पर उन्होंने काफ़ी सारे परिवर्तन करे, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ठीक है, समानता और अस्पृश्यता का अंत, इस तरीके के उन्होंने प्रावधान करवाए, कानून बनवाए और आरक्षण का प्रावधान साथ साथ दिया। ठीक है, आपको केवल ये याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन की केवल यही होता है कि गोलमेज सम्मेलन में मांग करी गई थी, किस तरीके की मांग करी गई थी। सेकेंड, उनके द्वारा जो है श्रमिकों के उत्थान और दलितों के उत्थान के लिए बात करी गई है। थर्ड, उनका जो पॉलिटिकल व्यू था इन आर्टिकल्स में पूछा जा सकता है, जैसे कि डायरेक्टली आर्टिकल पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, वो 17 के तहत है, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15-16 में यही किया गया है। 16 में कहा गया आपका लोक नियोजन, यानी कि जो कोई भी कार्य है या कोई भी संपत्ति क्षेत्र है वो किसी के आधार पर वहाँ भेदभाव नहीं होगा, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई कुआं है, कोई हैंडपम्प है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही व्यक्ति जो है उसका अधिकार होगा, और किसी को जाति या धर्म के आधार पर वहाँ से नहीं हटाया जा सकता, खासकर जाति के आधार पर। और साथ साथ जो आरक्षण का प्रावधान है जिसे हमने रिजर्वेशन का नाम दिया है, वर्तमान में जो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है इस समय, ठीक है, कभी इन फ्यूचर हम आगे इसके ऊपर एक लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, करेंगे बताने के लिए आप लोगों को। ठीक है, जो आरक्षण का प्रावधान है उनके द्वारा ही किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि राजनीतिक, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राजनीतिक और राजनीतिक आधार पर और प्रशासनिक आधार पर जो निम्न वर्गीय उसका उत्थान हो सके।
नेक्स्ट, अब बी आर अम्बेडकर के बारे में केवल इतना ही जानना है आपको, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर बता दिए गए हैं, असमानता या जो भी उन्होंने बहिष्कृत करनी सभा या दलित समाज के उत्थान के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की उत्थापना की स्थापना करी, बौद्ध धर्म से उनका क्या रिलेशन था इस बारे में बता दिया गया। बौद्ध धर्म से सिर्फ यही है कि उन्होंने बौद्ध धर्म इसीलिए अपनाया था क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो है भेदभाव की स्थिति को कम देखा, और उनका ये मानना था कि जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी हद तक हिंदू धर्म से काफ़ी हद तक अलग हुआ हुआ है, उनका केवल ये मानना था। तो इस आधार पर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना या उससे जुड़े और लोगों को प्रेरित किया कि वो बौद्ध धर्म अपना ले। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं साथ साथ इसी लेक्चर में राधा कमल मुखर्जी के बारे में, जो कि आर के मुखर्जी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आपको केवल इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व स्तर पर जो माना गया है वो मूल्यों का समाजशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, और अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो मूल्य यानी कि वैल्यूज की वो क्या बात करते हैं और इसका क्या किस बारे में समझाते हैं। राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र में अपने सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द डायमेंशन ऑफ वैल्यू में सामाजिक मूल्यों के बारे में विवेचना करिए, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज के बारे में वो बात करते हैं। राधा कमल मुखर्जी का मानव समाज पर मूल्यों के प्रभाव में निरंतर रुचि थी। उनका ये कहना था कि जो भी समाज में जो व्यवस्था है जो चलती है वो एक मूल्यों के आधार पर, यानी कि हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं सोसाइटी में और उसी के आधार पर हम हर चीज़ की स्थापना करते चलते हैं। उन्होंने कहा कि तथ्य और मूल्यों के बीच एक अलगाव माना था और अर्थशास्त्र राजनीति और कानून भी मूल्यों को जन्म देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मूल्य हैं वैल्यूज़ हैं वो हमारे समाज में रहती हैं, और आगे भी बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि मूल्य से क्या कहना चाह रहे हैं, वो मूल्य क्या है। ठीक है, उन्होंने कहा कि समाज के सदस्यों के मन में आंतरिक रूप से परिवर्तित किया जाता है, मूल्यों के आधार पर जो लोगों की सोच है उनको परिवर्तित किया जा सकता है। मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज द्वारा क्या है, अब मूल्य की परिभाषा क्या बताते हैं वो, ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छा है जिसका आंतरिकरण समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आंतरिकरण यानी कि अपने अंदर एसिमिलेट करना, समाजीकरण यानी कि इस समाज से जुड़ना चीज़ों के साथ में। वो कहते हैं समाजीकरण यानी कि जब हम आपस में मिलते हैं तो उसके माध्यम से होता है, और मूल्यों का स्वरूप अमूर्त होता है और मूल्य समाज के आदर्श होते हैं तथा समाज में रहने वाले सभी सदस्य अपने समाज के मूल्यों के प्रति संवेगात्मक संबंध रखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं मूल्यों को उन्होंने क्या बताया कि हमारे एक मान्यता प्राप्त इच्छा है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारे मूर्त भी हो सकते हैं अमूर्त भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये संवेदनात्मक संबंध रखते हैं व्यक्ति में। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि मान लीजिए उन्होंने ईश्वर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ईश्वर जैसे ये एक सर्वशक्तिमान है, पर उसको किसी ने देखा तो नहीं, वो क्या कहते हैं ये एक अमूर्त सामाजिक मूल्य यानी कि जिसको हमने कभी देखा नहीं है, हम जानते नहीं है, तो ईश्वर की शक्ति को हमने क्या बोला, अमूर्त। लेकिन जो प्रैक्टिसेस हैं सोशल, जो हम रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं हवन कराना पूजा कराना, उसको क्या बोलते हैं, वो मूल्य है। ये सोशल प्रैक्टिस है, एक वैल्यू है हमारी ईश्वर की, हम क्या कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं जागरण कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये क्या एक मूर्त है और ये क्या है एक वैल्यू है एक तरीके की। और वो कहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये केवल धर्म में नहीं है, वो कहते हैं राजनीति प्रशासन हर चीज़ में है। ठीक है, वो इसके आधार पर इसकी जो इम्पोर्टेंस लक्षण है वो भी बताते हैं आगे, और वो कहते हैं कि मूल्य जो है कुछ स्तरों में बटे हुए होते हैं, केवल ये याद रखना है आपको मूल्यों के बारे में। मुखर्जी ने मूल्यों को स्पष्ट करते हुए बताया कि मूल्य कई स्तरों में विभक्त होते हैं और कुछ मूल्य अधिक अमूर्त होते हैं तो कुछ कम अमूर्त होते हैं, जैसे अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं करना स्वतंत्रता का एक सामान्य मूल्य है। ठीक है, अपने अधिकारों को प्राप्त न करना, वहीं प्रकृति सर्वशक्तिमान है एक सामाजिक मूल्य है, अमूर्त सामाजिक मूल्य है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि अपने अधिकारों को प्राप्त ना करना, जैसे कि कोई व्यक्ति है और आपको कुछ अधिकार हैं और आप उनको अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ये क्या एक सामान्य मूल्य है, एक वैल्यू है आपके संविधान के आधार पर दी गई है। और इसी तरह अगर वो कहते हैं कि सर्वशक्तिमान यानी कि प्रकृति को अगर आपने सर्वशक्तिमान है और प्रकृति सब कुछ विनाश कर सकती है और बना भी सकती है, तो वो क्या है एक अमूर्त सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यू है एक तरीके की। उसके बाद वो बताते हैं मूल्य सदैव गतिशील होते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि मूल्य केवल ऐसा नहीं है कि एक जगह आकर रुक गए या किसी एक परिस्थिति में रुक गए। उनके अनुसार क्या होता है कि मूल्यों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, जैसे नैतिक या धार्मिक लोग जिन्हें गलत करने के लिए कई बार कुछ चीज़ सोचना पड़ता है, और आज के मनुष्य में नैतिकता का पतन हो चुका है। ठीक है, कई लोग क्या होते हैं सोचते हैं पहले, जैसे कि कोई चोर है या कोई मर्डरर है वो तो कुछ करने से, लोग मंदिर में भी चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं, यहाँ पर तो मूल्य कुछ है और है पर दूसरी जगह उस व्यक्ति का मूल्य परिवर्तित हो गया। वो कहते हैं एक मूल्य दूसरे मूल्य का विरोधी भी हो सकता है और मूल्य सदैव गतिशील होता है, अर्थात उन्हें हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं समय अनुसार। आगे वह बताते हैं
कुछ मूल्य पूर्णतः स्पष्ट होते हैं तथा कुछ मूल्य अस्पष्ट स्पष्ट होते हैं। जैसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए एक स्पष्ट मूल्य है क्योंकि हम इसके लिए किसी भी रूप में बाध्य नहीं है, परंतु अपने धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना स्पष्ट मूल्य है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हम सभी बाध्य हैं। यहाँ पर वो कहते हैं, देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं, कुछ मूल्य पूर्णतः स्पष्ट होते हैं तथा कुछ अस्पष्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अस्पष्ट है। जैसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए एक अस्पष्ट मूल्य है, ठीक है, जो शिक्षा के बारे में वो बता रहे हैं ये क्या है, एक तरीके का अस्पष्ट मूल्य मानेंगे हम इसको, क्यों, क्योंकि आप इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, परंतु धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना स्पष्ट मूल्य है क्योंकि हम इसके लिए क्या होता है, बाध्य है, ठीक है। देखिए अब इसको फिर से समझते हैं एक बार, वो क्या कहते हैं कि कुछ मूल्य स्पष्ट होते हैं कुछ मूल्य अस्पष्ट होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं स्पष्ट मूल्य तो क्या है कि भाई आपको जो है अपने रीति रिवाजों का पालन करना है, ठीक है, हम इसके लिए क्या है, बाध्य हैं। आप सवेरे उठोगे अपने घर में पूजा पाठ करोगे, हम बाध्य हो जाते हैं कहीं ना कहीं रीति रिवाजों का पालन करना, धर्म हमारे ऊपर क्योंकि प्रभाव ज्यादा है, ठीक है। परंतु अगर हम कहें कि शिक्षा प्राप्त करना भी एक बाध्यतामूलक है, एक चीज़ क्या बाध्यतामूलक है, शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा क्या कर रहे हैं हम अपनी शिक्षा अपनी इच्छा से प्राप्त कर रहे हैं ना, रोजगार प्राप्त करने के लिए। ऐसे बहुत परिवार होते हैं जहाँ शिक्षा लोग नहीं प्राप्त करते, अपना बिजनेस है वो संभालते हैं, गाँव दराज में आप जाएंगे, जरूरी नहीं है वहाँ शिक्षा को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, आज भी नहीं दी जाती है। तो क्या कहते हैं, ये स्पष्ट और अस्पष्ट होते हैं। स्पष्ट मूल्य क्या है, जो आपको करना ही है जिसके लिए आप बाध्य हो पूरी तरह से, और अस्पष्ट मूल्य क्या किस स्थिति को बताते हैं, वो जिसके लिए आप बाध्य नहीं हो, ठीक है, आप हमारा लेक्चर सुनने के लिए बाध्य नहीं हो, ये क्या है, एक अस्पष्ट मूल्य है, ठीक है। लेकिन आप नेट क्लियर करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि आप पढ़े पूजा पाठ करके आप जो है भगवान का पेपर भगवान का नाम लेके आप पेपर शुरू करेंगे, आप पेपर देने जाएंगे, वो क्या है, एक स्पष्ट मूल्य है कि आप उस चीज़ को करने के लिए बाध्य हैं, वो करेंगे, ठीक है। तो राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति पर, और साथ साथ अब हम देखेंगे उन्होंने ये यहाँ पर हो गया मूल्य, अब उनके साथ साथ एक आता है कि सामाजिक परिस्थिति पर भी कई पुस्तकें लिखी हैं, परिस्थिति नहीं पारिस्थिति की है, बेसिकली एनवायरमेंट से भी रिलेटेड उन्होंने चीज़ें लिखी हैं पारिस्थिति की पर, और सामाजिक पारिस्थिति एक जटिल सूत्रीकरण था जिसमें कई सामाजिक विज्ञानों ने परस्पर क्रिया की, ठीक है। साथ साथ वो यहाँ पर कुछ एनवायरमेंटल इकोलॉजी की भी बात करते हैं कि इकोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज भी दी हैं अपनी। मुखर्जी द्वारा मूल्यों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न उत्तर बताए गए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे मूल्य होते हैं उनको हम किस आधार पर समझ सकते हैं और हमें उनके जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वो बात करते हैं लक्ष्य, जो हर मूल्य होते हैं वो कहते हैं मूल्य का कुछ लक्ष्य होगा, उसके कुछ आदर्श होंगे, कुछ मान्यताएं होंगी, ठीक है। लक्ष्य की वो क्या बात करते हैं, मानव अपने आधारभूत आवश्यकताएं होती है, जीवन में कुछ लक्ष्य निश्चित करता है और यही लक्ष्य उसकी उसका वक्ताओं को नहीं है, वही जो है उसकी आवश्यकताओं को, ठीक है, ये आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। अब वो बताते हैं कि मूल्य बनते कैसे हैं, बेसिकली वो कह रहे हैं कि एक मूल्य की उत्पत्ति हो कैसे रही है। वो क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, आप एक IAS अधिकारी बनना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है, ठीक है। आप उसके लिए क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता वो क्योंकि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दूसरा बोलते हैं आदर्श, दो लक्ष्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अधिक उपयोगी होते हैं, उनको आकस्मिकता दी जाती है और यह आदर्श का रूप लेते हैं। वो कहते हैं जब दो लक्ष्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अधिक उपयोगी हो जाए, यानी कि आदर्श वो किसी स्थिति को कहते हैं जो लक्ष्यों में सर्वोत्तम है, आप क्या देंगे उससे प्राथमिकता, यानी कि मान लीजिए दो आदर्श लक्ष्य आपके हैं, ठीक है, एक तो हो गया आपका विवाह करना, एक हो गया आपका रोजगार प्राप्त करना, तो जिसको आप प्राथमिकता देंगे, ठीक है, वो आपका सर्वोत्तम हो जाएगा, वो आपके लिए क्या बन गया, आदर्श, यानी कि आपको शिक्षा प्राप्त करनी है और IAS बनना है, तो ये क्या हो गया, एक आदर्श बन चुका है। अब ये जो लक्ष्य था आपका भी एक आदर्श में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। अभी आदर्श मान्यता कब बनेगा, जो आदर्श समय के साथ 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 रहते हुए किसी भी समाज के लिए आवश्यक बन जाते हैं और उन्हीं को मान्यताओं का रूप दे दिया जाता है, ठीक है। देखिए अभी हम एक अलग एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रहे हैं, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देंगे। अब मान्यता, मान लीजिए कि हमें ऐसे इस तरीके के एग्जाम्पल देने हैं एक सिंपल तरीके से, जैसे कि हमने IAS वाला आपको बताया कि बनना चाहता है लक्ष्य के आधार पर मान्यता, अब ये क्या हो गया, ये मान्यता बन गई, जो आदर्श था ये समय के साथ साथ क्या हो गया आपके अंदर एक मान्यता बन गई आपके अंदर कि आपको IAS बनना ही है, यानी कि एक तरीके का आइडियोलॉजी बन गई कि बनना ही है, ठीक है। या मान लीजिए कोई समाज है वहां पर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी आपके लिए IAS बनना, तो उन्होंने क्या बोला कि फिर वो मान्यता की स्थिति बन जाएगा, और फिर वो कहते हैं वही मान्यता आपका मूल्य का रूप कब लेंगी, जब मनुष्य में मान्यताएं प्रभावहीन या स्थायीता प्राप्त कर लेती है, तो वो एक मूल्य का रूप लेते, और वो क्या हो गया, स्थायी हो गया कि बनना ही है। मान लीजिए आप किसी परिवार में जाएं, किसी जिले में जाएं और पता चले कि यहाँ पर तो जी कलेक्टर बनना या एक अधिकारी बनना इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर वो क्या स्थिति आएगी, इस तरीके की क्रोनोलॉजी बनेगी, लक्ष्य, आदर्श, मान्यता और मूल्य, ठीक है। अब इसको एक सिंपल वे में समझते हैं, लक्ष्य, ठीक है। मान लीजिए धर्म से अब हम जोड़ के देखते हैं सिंपल दूसरे तरीके से, मान लीजिए कोई धर्म है, ठीक है, और धर्म का लक्ष्य क्या है, अपनी आवश्यकता है, तो आपने क्या बोला कि जी आपको एक लक्ष्य प्राप्त करना है, इस धर्म को स्थापित करना है या फिर आपको कोई पूजा करनी है, ठीक है। अब ये क्या हुआ है,
आपके दो लक्ष्य जो हैं इनमें इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, कि आपको प्राथमिकता किसे देनी है, या तो आप जो है धर्म को मान लें, ठीक है, और दूसरी आपकी आवश्यकता हो गई रोटी कपड़ा मकान, आप चाहते हैं भाई पूजा पाठ करें या तो फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, तो आपने किसको प्राथमिकता दी, अपने धर्म को, आपने या नहीं, आप पूजा करेंगे और इसके साथ में सेकेंडरी इसको कर दिया, ठीक है। अब वो क्या हो गया, आपकी एक मान्यता बन चुकी है, समय के साथ साथ क्या हुआ, मान लीजिए वो पूजा करना यानी कि रोज सवेरे उठ के पूजा करना वो क्या बन गया, अब एक मान्यता बन चुकी है, करना ही करना है, ठीक है। और वही जब मनुष्य में जब मान्यताएं प्रभावहीन या स्थायी हो जाती हैं, वो जब पूरी तरह से आपके अंदर एक चेतना के रूप में स्थायित्व हो जाती है, तब वो क्या बन जाएगा, मूल्य बन गया, वो सामाजिक मूल्य बन गया कि आपको पूजा करनी है या आपको बलि देनी है, इस तरीके की एक व्यवस्था बन गई। तो इसके संदर्भ में क्या बताते हैं, मूल्यों की उत्पत्ति के संबंध में। नेक्स्ट हम उनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं, द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, द डायमेंशन ऑफ वैल्यू, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज, ठीक है। बुक्स का याद रखना जरूरी है, वैसे अभी इस एग्जाम में भी पूछे जा सकेंगे संभावना है, बट पहले जो एग्जाम होता था वहाँ रेगुलर पूछे जाते थे। आपको जो है मुखर्जी के बारे में लक्ष्य आदर्श उनके मूल्यों की उत्पत्ति किस तरीके से बताई है उन्होंने, ये आपको ये याद रहना चाहिए, क्रोनोलॉजी जो है ये सिस्टम जो है, साथ साथ मूल्य उन्होंने किसे कहा है और मूल्यों के वो क्या इंपॉर्टेंस बताते हैं वो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन बनने की संभावना है कि मूल्यों के बारे में वो क्या सोचते हैं या मूल्यों से उन्होंने किस बारे में मूल्यों को परिभाषित किया है, समाज में मूल्यों की क्या इंपॉर्टेंस है, और मूल्यों के बारे में मूल्यों को उन्होंने किस बुक में लिखा है, एक आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये पहले भी सिलेबस में थे जनरली, यहाँ से इनका कुछ ऐसा खास क्वेश्चन रहा नहीं है, बुक्स वुक्स ही पूछी गई हैं। सो आप आर के मुखर्जी के बारे में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम जी एस घुर्रे एंड इरावती कर्वे के बारे में पढ़ेंगे एंड श्रीनिवास के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर को समझने की कोशिश करें, दो तीन बार देखें, एंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे। कमेंट करके पूछें अगर आपको लगता है कहीं कुछ कन्फ्यूजन है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।